भूड़ा कहकर इन प्लेयर को कर दिया गया किनारे। इनकी उम्र को लेकर कई बार इन पर सवाल उठे। किस तरीके से इरफान पठान और सुरेश रैना की एक बातचीत के दौरान उन्होंने अपना दर्द बयां किया। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। हमारे देश में अगर कोई खिलाड़ी 29 या 30 साल की उम्र में अगर उसने डेब्यू किया है या फिर वो करता है तो उसको बूढ़ा कह दिया जाता है। यही दर्द इरफान पठान ने बयान किया था। एक 3 साल पहले का एक वीडियो है सुरेश रैना और इरफान पठान की बातचीत का, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इरफान पठान अपना दर्द बयां करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो बाहरी कंट्रीज़ होती हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पर ऐसा माइंडसेट नहीं है कि कोई खिलाड़ी अगर 29 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, 30 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, लेकिन अगर उसकी स्किल्स अच्छी हैं, उसको अपने स्किल्स पर कमांड है, तो उसको वही इज्जत मिलती है जो एक यंग प्लेयर को मिलती है। और 29 और 30 साल की उम्र में कोई भी खिलाड़ी बूढ़ा नहीं हो जाता है। उन्होंने बताया ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर माइकल हसी का उन्होंने एग्जांपल दिया कि किस तरीके से उन्होंने 29 साल की उम्र में डेब्यू किया और इसके बाद वो एक दुनिया के महान खिलाड़ी बनकर उभरे। उनकी उम्र को उस वक्त तवज्जो नहीं दिया गया था, उनके गेम को तवज्जो दिया गया था, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। इरफान पठान अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि किस तरीके से वो एक बार एक मैच में प्रैक्टिस कर रहे थे। उस वक्त वो 30 साल के थे और बीसीसीआई के एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत एक व्यक्ति आते हैं, उनको देखकर कहते हैं कि क्या ये बूढ़े लोगों को टीम में ले रखा है और इसी के साथ इन बूढ़ों को टीम से किनारे करो। तो इस तरीके का माइंडसेट वो बताते हैं कि हमारे देश में है कि अगर कोई भी 29 या 30 साल का खिलाड़ी है तो उसको तुरंत ही बूढ़े का टैग दे दिया जाता है और इसी के साथ इस बात का भी थप्पा उस खिलाड़ी के ऊपर लग जाता है कि ये खिलाड़ी अब खेलने के लायक नहीं है, इसकी स्किल्स बेकार हो गई हैं, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन आज के समय में हमें देखने को मिलता है कि 35 साल का एक युवा खिलाड़ी, उसने किस तरीके से सचिन तेंदुलकर की बराबरी की। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। अगर आपको बीता मैच याद हो साउथ अफ्रीका के साथ टीम इंडिया का जो हुआ था, उस दिन विराट कोहली का बर्थडे भी था। विराट कोहली 35 साल के हो गए थे और उन्होंने किस तरीके से अपनी उम्र को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर आज भी टीम इंडिया में माने जाते हैं। उन्होंने अपने फिटनेस का सटीक एग्जाम्पल दिया, अपनी सेंचुरी पूरी की सचिन तेंदुलकर के, वो बराबर आकर खड़े हो गए। और इसी के साथ आज के जो खिलाड़ी हैं वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि उम्र उनके स्किल्स के ऊपर हावी नहीं होती। हालांकि पहले जो खिलाड़ी थे उनका भी उम्र से और उनके स्किल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यूसुफ पठान और सुरेश रैना इस दर्द को बयां करते हुए वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमारी उम्र बढ़ती है तो हमको सीधे सीधे हमारे ऊपर टैग लग जाता है कि ये खिलाड़ी अब बूढ़ा हो गया और उसको खेलने का अब कोई भी अधिकार नहीं है। इसी के साथ सुरेश रैना एक सजेशन देते हुए भी नजर आते हैं कि जो भी खिलाड़ी, जो भी सीनियर प्लेयर है, जो भी पूर्व खिलाड़ी है, अगर वो बीसीसीआई के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो उनको ये परमिशन दी जानी चाहिए कि वो बाहर जाकर अन्य टीम के लिए खेल सके, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनके स्किल शार्पन रहेंगे, उनको सीखने का काफ़ी मौका मिलेगा और अपने एक्सपीरियंस से वो बाकी खिलाड़ियों को भी सिखा सकते हैं। तो आपको रैना और पठान का ये दर्द सुनकर क्या लगता है कि क्या इन चीज़ों में तब्दीली होनी चाहिए? क्या बीसीसीआई को और चयनकर्ताओं को अपनी सोच में थोड़ी तब्दीली लानी चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।